आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नाउंस यानी कि संज्ञा क्या है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में लाखों व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुएं हैं, सबके कुछ ना कुछ नाम हैं। इन नामों को ही नाउंस कहते हैं, जैसे कि राम, मोहन, सीता, गीता, जॉन, ये सारे नाम हैं, तो इनको हम नाउन कहेंगे। कुछ व्यक्तियों के सामान्य नाम जैसे कि बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, ये सब भी नाउन हैं। स्थानों के स्पेशल नेम जैसे कि पटना, बिहार, इंडिया, नेपाल, हाजीपुर, ये सब नाउन्स हैं। स्थानों के सामान्य नाम जैसे कि विलेज, स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी, ये सब भी नाउन्स ही हैं। मतलब जितने भी नेम्स हैं वो नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। मुख्यतः संज्ञा को यानी कि नाउन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और पाँचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को यानी कि स्पेशल नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राम, टॉम, पटना, ETC, ये सारे प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नंबर टू है कॉमन नाउन, यानी कि जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवेन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। मतलब जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी भर का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय से पूरे बॉय जाति का बोध होता है, गर्ल्स से पूरे गर्ल जाति का बोध होता है, ना कि किसी स्पेशल किसी पर्सन के का बोध हो। इसमें पूरे बॉय जाति का बोध हो रहा है, गर्ल जाति का बोध हो रहा है, स्कूल से पूरे स्कूल का बोध होता है, पेन से पूरा पेन, ETC। अब हम देखेंगे थर्ड वन, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब इस नाउन में क्या होगा, एक ही तरह के व्यक्ति या फिर कोई वस्तु का, ग्रुप्स का बोध होगा, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, ETC, ये सब कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज़ मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड। मतलब जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, ब्रेड, राइस, शुगर, फूड, ETC, ये सारे मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वो है हमारा 5 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कांट सी और टच। मतलब जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव यानी कि फील किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुडनेस,
मतलब अच्छाई, काइंडनेस मतलब दयालुता, डार्कनेस मतलब अंधेरापन, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो गुडनेस को हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते बट इसे फील कर सकते हैं। ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते बट इसे फील कर सकते हैं। ये था हमारा नाउंस।